सलाद क्या हो गया, लेमन चैप्टर नाम क्या हो गया, लिमिट एंड डेडी वेटिव सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज। अब देखो ये जो सीमा और अवकलज है, तो पहले हम बात करेंगे सीमा की, यानी 13वां चैप्टर क्लास 11th का क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सीमा का प्रयोग आप लोग अपने बातचीत में बहुत बार सुने या प्रयोग करते हैं। लिमिट क्रॉस नहीं करो, लिमिट क्रॉस मत करो जी, कहता है जी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, अपने सीमा में रहिए, कहते हैं ना। अब मान के चलो ये कोई क्या है, खेत है, ये क्या है, खेत है। अब मान कोई गहरा नहीं है, गहरा नहीं है, आर नहीं है, उनका कोई सीमा है नहीं, तो सीमा एक प्रकार से बाउंडिंग हो जाता है, नहीं हो जाता है। मान के चलो कि खेत है, तो इनका कोई सीमा अभी नहीं है। हम क्या करते हैं कि किसी भी रेखा के द्वारा बांध देते हैं, आर बांध देते हैं, घेरा लगा देते हैं, तो सीमा हो गया। उनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, उनका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से मान के चलो कि यहाँ पर आपको रहेगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसका कोई सीमा है नहीं है भी, एक्स के स्थान पर कोई मान रख देते हैं, जैसे वन रख दिए, तो वन का क्या हो गया स्क्वायर, तो वन हो गया ना जी सर। यस सर। तो अब देखो इनका मान निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अब एक से अधिक होगा नहीं होगा, अगर हम टू रख देते हैं तो दो दूनी क्या हो गया चार। अभी देखो इसमें तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं ना, सीमा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तब एल को फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहा जाता है। देखो सीमा किसे कहते हैं, जब x टेंस टू a, एफ एक्स टेंस टू एल, तब l को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहते हैं, तब हम l को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहते हैं। उतार लिया, वी राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर भी लगा देते हैं, समझ गया क्या लिमिट किसे कहते हैं, जब x टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल, तब l को फंक्शन एफ एक्स का सीमा कहा जाता है, समझ गया ना। l को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ एक्स का सीमा। x टेंस टू a का मतलब क्या हुआ, x का जो मान है ना ये रखने ये के स्थान पर रखेगा, समझ गया, x का मान ये रखने पर, यानी ये होता है क्या, इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एल, ये जो तीर का निशान है ना, इनको क्या लिखते हैं, टेंड्स टू, समझ गया ना, टेंड्स टू। अब देखो एक्स टेंड्स टू क्या है, ये है ना, तो मान के चलो कि एक्स का मान कभी क्या होता है, ये के बराबर भी हो सकता है, ये से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ये से कुछ कम भी हो सकता है, समझ गया ना।
अच्छा ये जो लिमिट है उतारते चलिए, ये जो लिमिट है इनको हम दो प्रकार से भी लिखते हैं, पहला हो गया एल पी भी लिखते हैं या एल आई एम भी लिखते हैं शॉर्ट में, समझ गया ना। अब देखो लिमिट्स लिमिट इन डिफरेंट, अब देखो अब लिमिट है ना, लिमिट भी दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया आपको इंडिपेंडेंट एल एच लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल, और दूसरा क्या हो गया आर एच एल आर एच एल लिमिट एक्सटेंशन वाला देखो बाइनोमियल में लिखा है कि वन प्लस एक्स होल पावर एन बराबर क्या होता है वन प्लस एन एक्स उसके बाद एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बटे थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर तीन डॉट डॉट ऐसे चलते रहता है। दूसरा फॉर्मूला इसी में देखो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर होता है, मेरे साथ ही लिखते चलो फास्टली, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बटा होता है एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर देखो एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस थ्री ऐसे दो दो करके रहता है और अंतिम में होता है एक पावर एन माइनस वन। तीसरा फॉर्मूला इनका देखो ई टू दी पावर एक्स का मान होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बटे थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब देखो चौथा फॉर्मूला इनका देखो ए पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपको वन प्लस एक्स लॉग ए एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर एक्स क्यूब बटे थ्री फैक्टोरियल लॉग ए का होल क्यू डॉट डॉट ये चलते रहता है। उसके बाद पांचवा इनका फॉर्मूला देखो, पांचवा फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू प्लस एक्स क्यूब बटे थ्री माइनस एक्स फोर बटे एक्स पावर फोर बटे फोर दो दो ये चलते रहता है ऐसे। ये देखो छठा एक्सटेंशन जो है साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बटे थ्री फैक्टोरियल उसके बाद देखो प्लस है एक्स फाइव बटे क्या होता है फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सेवन बटे क्या होता है सेवन फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर नाइन बटे क्या होता है नाइन फैक्टोरियल माइनस। अब देखो माइनस किसमें लग जाता है तो देखो इस पर पावर क्या है एक है ना एक है एक में दो जोड़े क्या हो गया तीन तीन में दो जोड़े क्या हो गया पांच पांच में दो जोड़े सात तो देखो जैसे तीन में लगा तो तीन के बाद देखो एक स्टेप छोड़ करके एक स्टेप बाद लगता है माइनस तो तीन के बाद इसे पांच हुआ ना इसमें प्लस लग गया इसके एक स्टेप बाद देखो माइनस लग गया तीन लग गया उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस इसके जस्ट बाद क्या होगा प्लस। अब देखो सात नंबर का जो ये है कोस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है समझ गया कोस एक्स बराबर क्या होता है वो होता है वन माइनस
एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फोर बटे क्या होता है फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सिक्स बटे क्या होता है प्लस एक्स पावर एट बटे एट फैक्टोरियल बिंदा दे देना समझ गया ना ऐसे ये चलते रहता है एक चीज देखा है जो कोस वाला मान है ये जो है की सम पावर लिया है ना जी ये साइन वाला जो मान है ये कौन पावर सम लिया है ना ये सब चीज याद रखने वाली चीज है उसके बाद देखो आठ में टेन एक्स बराबर होता है एक्स प्लस एक्स क्यू बटे थ्री इसे फैक्टोरियल नहीं लगाना है दो बटे पंद्रह एक्स पावर फाइव उतारिये फंडा मेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स वाला देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस डी एक्स देखो एक फॉर्मूला हम समझाते हैं आप लोग समझ जाओगे देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो गया ए एफ एक्स प्लस जी एक्स ये लिमिट वाला जो है ना एक बार इसमें लग जाएगा एक बार क्या होगा जी एक्स में और एफ एक्स और जी एक्स क्या है फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स क्या है दो फंक्शन है तो लिमिट एक बार क्या करोगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और प्लस क्या होगा बोलो लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स जी एक्स तो देखो जोर वाला हुआ ना तो जोर के बाद क्या होता है घटो गुना भाग तो आप दूसरा क्या लेंगे हम घटो में लेंगे आप लोग मेरे साथ फास्ट लिए उतारते चलो अगला लिखिए थिंग्स टू रिमेम्बर ये फॉर्मूला हम पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में पहला साइन सी प्लस साइन बी बराबर होता है टू मेरे साथ लिखते चलो टू साइन इंटू सी प्लस बी बाय टू दूसरा फॉर्मूला इनका होता है साइन सी माइनस साइन डी इनका फॉर्मूला होता है टू कॉस टू कॉस इसमें कोस आ जाता है सी प्लस डी बाय टू टू साइन सी माइनस डी बाय टू माइनस डी बाय टू टू इसका फॉर्मूला होता है कोस सी प्लस कोस डी डी ये होता है टू कोस सी प्लस डी डी बाय टू कॉस कॉस सी माइनस डी बाय टू डी बाय टू चौथा फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी ये होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू टू साइन सी माइनस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू डी बाय टू देखो अब स्टार्ट करके मेरे साथ लिखते चलो सम मोर इम्पोर्टेंट
theorems on limits. Pala dekho. Theorem first. Limit x tends to k x power n minus a power n but x minus a बराबर आपको होता है n into a power n minus 1. तो हम प्रूफ करते हैं अब देखो इनको पहले समझ लो उसके बाद उतारना है. देखो थ्योरम फर्स्ट जो है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बटा x माइनस a बराबर क्या होता है n a पावर n माइनस 1 ये होता है. एक रूप हो गया LHS. इस पार्ट को हम LHS कहते हैं. इसको क्या कहते हैं LHS कहते हैं. इस पार्ट को ले लिया है. अभी देखो x पावर n माइनस a पावर n बटा x माइनस a का फॉर्मूला क्या लिखा है. इसी देखो दूसरा फॉर्मूला यही लिखाए थे एक्सपेंशन में. जी सर लिखाए थे ना. इसका मान क्या होता है ये होता है ना. इसका मान क्या होता है ये होता है ना. नहीं होता है. x टेंस टू a का मतलब क्या हो गया कि x के स्थान पर पूरा किए. तो x के स्थान पर जैसे ही हम a रख देते हैं ये लिमिट खत्म हो जाता है. जैसे खत्म हो गया जी सर. जैसे यहाँ पर पुट कर दिया तो लिमिट क्या हो गया खत्म. लिमिट खत्म हो गया. x की जगह क्या होगा a होगा. यहाँ x था तो क्या होगा a. यहाँ भी x था तो क्या होगा a. यहाँ भी x है तो क्या होगा a. तो ये जो है इस प्रकार से आएगा. आएगा कि नहीं आएगा. आएगा ना. आप देखो ए पर पावर क्या है एन माइनस वन है. नहीं कुछ है तो इस पर पावर क्या है एक है. तो ये देखो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है. तो माइनस टू में एक जुटेगा क्या होगा माइनस एक नहीं जुटेगा. यहाँ पर माइनस एक होगा ना जी. अब देखो यहाँ पर टू है. यहाँ पर क्या है माइनस थ्री. तो माइनस थ्री में टू जोड़ेगा क्या होगा माइनस वन होगा ना. ऐसे चलते रहेगा और अंतिम में क्या है ए पावर एन माइनस वन है. तो ये जो मान है क्या बार जुट रहा है एन बार. ये जो मान है क्या बार जुट रहा है एन से हम क्या करते हैं गुना करते हैं. जैसे दो को हम चार बार जोड़ते हैं तो आठ होता है ना. नौ होता है. उसी प्रकार से दो को क्या करेगा गुना करेगा तो आठ होगा ना. देखो सिंपल नियम है किसी भी संख्या को जितना बार जोड़ोगे गुना करोगे. यानी ये जो संख्या है कितना बार जुट रहा है
एन बार कितना बार की ट्राई इसलिए एन से गुना होगा। अब छोटका एग्जांपल लेके समझ लो कि एन क्यों हो जाता है। जैसे मान के चलो कि दो को हम तीन बार गुना तीन बार जो दो प्लस दो कितना होता है छो दो क्या दो गुना तीन कितना होता है छो देख रहा है ना जी। तो जितना बार जुड़ता है उतना से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। उसी प्रकार की एन बार जुट रहा है तो एन से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो थ्योरम टू क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू करते हैं उसके बाद देखो ए पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर होता है ए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स का मान होता है देखो मेरे साथ उतारते जाओ ई टू पावर एक्स का मान होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल ऐसे चलते रहेगा माइनस वन बटे एक्स ये था माइनस वन ये हुआ ये माइनस ये क्या हो गया वन हो गया। अब देखो एक्स सम में भाग दो एक्स सम में क्या करेगा भाग देगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो एक्स में एक्स से भाग देगा तो यहाँ पर क्या आएगा वन यहाँ पर होगा एक्स बटे टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बटे थ्री फैक्टोरियल ऐसे डॉट डॉट। अब एक्स का मान यहाँ पर पुट करो यहाँ पर जीरो रखेगा तो ये पार्ट जीरो ये पार्ट इनका रेस्ट पार्ट अब क्या आएगा जीरो तो वन प्लस क्या होगा जीरो प्लस जीरो बराबर ये प्रूव हो गया जी सर। अब जो अगला आपको थ्योरम है एक बार बढ़िया आप समझ लो ये थ्योरम टू है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन बटे क्या हो गया एक्स बराबर वन इनका जो मान होता है क्या होता है वन होता है समझ गया ना। तो प्रूफ लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एच एस पास से कर रहे हैं ई टू पावर एक्स का मान क्या लिखा है देखो तो एक्सपेंशन में ये लिखा है तो ये जो मान हुआ ये पूरा यहाँ पर पोस्ट में ये ई टू पावर एक्स का हुआ किसका हुआ एक्स का ई माइनस हो गया ई क्या हो गया वन हो गया ई वन और ई वन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा नीचे में भी संख्या से क्या होगा भाग लग जाएगा ना। एगो एक्स है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक दो गो एक्स है एक्स से भाग देगा क्या होगा एगो एक्स होगा ना। ये क्रिया होने के बाद एक्स का मान क्या करोगे लिमिट का मान एक्स की जगह रखोगे कि नहीं रखोगे रखेगा ना तो एक्स की जगह यहाँ रखोगे तो जीरो होगा यहाँ रखोगे तो क्या होगा जीरो एक प्रूव हो गया ना। अगला थ्योरम टू जो है थ्री होगा ये इस प्रकार से है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ए पावर एक्स माइनस वन जीरो उसके बाद है आपको वन प्लस एक्स को पावर वन बाय एक्स बराबर क्या होता है ई होता है देखो वन प्लस एक्स का होल पावर क्या हो गया एन नहीं हो गया क्या हो गया वन प्लस एक्स होल पावर वन बाय एक्स बराबर क्या होता है ई। अब इनको हम प्रूफ करते हैं तो देखो यहाँ पर लिख देना है एलएचएस लिख दिए तो लिमिट को एल आई एम लिखो कि एल टी लिखो लिमिट को हम क्या करते हैं एल आई एम या एल टी एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर वन प्लस एक्स है ए प्लस क्या हो गया ये बी या वन प्लस एक्स होल पावर एन का फॉर्मूला का यूज कीजिए तो क्या लिखा है वन प्लस एन एक्स क्या होता है एन एक्स और एन का मान क्या है वन बाय एक्स ये एक्स हो गया प्लस
उसके बाद आपको हो गया वन बाय एक्स, वन बाय एक्स माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू। देखिए ये सभी उतारते भी चलिए, जो एल एल भी दे सकते हैं ना, क्या चीज एच एल एल लेकिन इनको। अब उसमें दो मान जब रहेगा ना तब प्रयोग करेंगे, अभी नहीं करना है, सिर्फ अभी एल एच एस और आर एच एस से कम करते चलो। फॉर्मूला जो लिखा है वन प्लस एक्स का, देखो वन प्लस एक्स होल पावर एन, इनका जो फॉर्मूला लिखा है तो उसमें नहीं होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार से है। तो देखो यहाँ पर भी वन हो गया एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर आपको होगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू, ऐसे चलते रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये और ये कट गया वन प्लस वन, ये वन बाय एक्स होगा ही वन माइनस एक्स टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, होता है। तो देखो प्रूफ पहला चेस लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो, अब करोगे क्या ये वन प्लस एक्स है ना और पावर क्या है वन बाय एक्स, तो एक फॉर्मूला लिखा है आपको पहला लिखा है वन प्लस एक्स होल पावर एन का क्या फॉर्मूला लिखा है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल चलते रहता है ना, तो वन तो ये हो गया एन का मान क्या है यहाँ पर एन एक्स हो गया ना, ये हो गया प्लस एन इंटू एन माइनस, देखो एन का मान हुआ ना माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ, बटा क्या होता है टू फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ वन एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर क्या होता है यहाँ पर टू फैक्टोरियल हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस क्या होता है टू बाय क्या होता है थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यू, ऐसे चलते रहेगा। अब इनको हम क्या किया है सोल्व किया है ना, एक्स और एक्स खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, एक्स और एक्स खत्म। उसके बाद देखो फिर इनका जो है नहीं कुछ है, इनके नीचे क्या है वन है ना, एलसीएम लिए तो वन माइनस क्या हो गया एक्स हो गया ना,
यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के मान निकाले हैं, यानी भिन्न का घटक निकाले हैं। तो x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर नीचे आ गया, x स्क्वायर खत्म हो गया ना। फिर देखो ये तीन वो x गुना है तो क्या हो जाएगा, x क्यों नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर ये x क्यों है ही, ये खत्म हो गया। होने के बाद देखो ये लिमिट x टेंस टू क्या है, जीरो है ना। x के स्थान पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो मान इसी प्रकार से ना आएगा, न आएगा। ये जो मान होता है ई का मान होता है किसका, अब देखो ये तो बहुत आसान था। थ्योरम 5, लिमिट लॉग 1 प्लस एक्स बटे क्या हो गया, x का मान क्या होता है 1 होता है। देखो प्रूफ कर दिए, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, जीरो। अब देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया, 2 प्लस एक्स क्यूब बटे क्या हो गया, 3 माइनस एक्स फोर बटे क्या हो गया, 4 प्लस डॉट डॉट चलते रहेगा। ये आपको x नीचे से भाग में है ना जी, x से भाग बारी बारी से भाग दो, यहाँ पर भाग देगा क्या बचेगा, 1 भाग पर कट जाएगा। ये यहाँ पर 2 को x था, क्या को x बचेगा, 3 को x था, क्या को x बचेगा, 2 हुआ ना। अब ये जो लिमिट x टेंस टू 0 है तो x का मान क्या रखोगे, 0, 0 में 2 से भाग दो क्या होगा, 0, तो ये 1 को छोड़ करके रेस्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा ना जी। ऐसे डॉट डॉट भी मार दो तो 1 में 0 जुटे की घटे कोई फर्क पड़ने वाला है, 1 प्रूफ। चलिए अब जो अगला थ्योरम है, पहले कुछ चीज और सीखते चलो थ्योरम से पहले। तो आपको लिमिट थीटा टेंस टू क्या हो गया, 0, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कोस थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। इनको हम प्रूफ करते हैं, समझ गया, एक्स टेंस टू 0। अब बोलो साइन एक्स का मान क्या होता है, कल लिखा है साइन एक्स का मान क्या होता है, 1 बाय 2, यही होता है। इसका एक्सपेंशन देखो, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल प्लस प्लस एक्स एक्स बटे 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रहता है। नीचे में क्या है, एक्स है ना, इनका मान 1 क्यों हो जाता है। अब देखो x से अब सब में क्या करेगा, भाग देगा, भाग देगा सर, एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते, सूत्र है ना, ये सूत्र है, समझ गया ना, इसका एक्सपेंशन ही होता है। अब x से भाग देंगे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल, आप देखिए x के स्थान पर 0 माइनस 0 सर जी प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 प्रूफ। ये हुआ पुनः समझो, देखो थ्योरम 2 हुआ ना, लिमिट साइन x बटे x का मान क्या होता है, 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का मान क्या होता है, 1 होता है। और जब करते हैं तो लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, 0। अब देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल माइनस क्या होता है, एक्स पावर 7 बटे 7 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे चलते रहेगा, समझ गया ना। नीचे से क्या है, एक्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स में एक्स से भाग देगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, ऐसे भाग एक बार लगेगा तो पावर एक घट जाएगा, उसने घट जाएगा, समझा कि नहीं समझा, अगर नहीं समझे हो तो पुनः सिंपल रूप में समझो, ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स का कल क्या लिखा है, मान ये होता है ना, नीचे में क्या है, एक्स है ना, तो एक्स एक बार इसमें भाग लगेगा, एक बार इसमें लगेगा, एक बार इसमें लगेगा, एक बार इसमें लगने के बाद इतना मान बचेगा, समझ गया ना, इतना मान बचने के बाद जो x का मान क्या है, 0 है ना। अब x के स्थान पर 0 रख दो, प्रूव हो गया सर जी, एक्स जैसे। अब अगला ऐसे लिखते चलो, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, 0
x बटे x का भी मान क्या होता है 1 दूसरा x d e पावर x x पावर n बटे d x इनका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1 दूसरा देखिए यानी x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू x पावर n माइनस 1 क्या हम पूछ देंगे कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x पावर n का n x पावर n माइनस 1 अब देखिए अब कोई कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा कोई कांस्टेंट रहेगा जैसे मान लीजिए कि 0 या 2 3 4 10 20 है a b c d कुछ भी रहेगा उनका क्या हो जाएगा जीरो क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि देखिए ये तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट न हुआ है लेकिन यहाँ पर है क्या c है ना नहीं c इसलिए जीरो हो जाता है इसलिए क्या हो जाता है जीरो ये जीरो हो गया तीसरा आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं फलन में सी एक्स ले लेते हैं इनको हम फलन बोलते हैं क्या बोलते हैं फलन फंक्शन तो देखिए सी क्या है कांस्टेंट न है जी क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर आ जाता है ऐसे हो जाता है सी होगा इसका सर जी डी एक्स ऐसे हो जाता है सी अब वैसे भी डी एक्स एक्स का क्या होता है सर जी सी होना एक सिंपल भी सोचेगा तो ये कट गया जी सर एक हो गया सिंपल रूप से भी सोचेगा तो ऐसे होता है यानी कांस्टेंट आपको बाहर आ जाता है कर दिए ना इनको हम सी भी लिख सकते हैं बराबर में चौथा फॉर्मूला देखिए डी एक्स वन होगा इनका वन हो गया वन हो गया पांचवा फॉर्मूला देखिए ये रूट ओवर एक्स हो क्या हो रूट ओवर एक्स हो तो वन का होता है रूट एक्स वन बाय टू रूट ओवर एक्स समझ गया ना अब ई कैसे होता है तो रूट ओवर का मान क्या होता है हाफ बाय टू होता है हाफ में से हम क्या करेंगे एक को घटाएंगे तो माइनस हाफ होगा ना जी अब पावर जैसे माइनस हो गया तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी सर तो इसलिए ना नीचे में रूट ओवर एक्स है यहाँ पर वन बाय टू कहाँ से आया तो हाफ पावर है पावर गुना में होता है वन बाय टू नहीं होता है पावर गुना जी सर इसलिए ना हुआ अब अगला फॉर्मूला देखो छठा फॉर्मूला देखो जैसे लॉग एक्स हो गया क्या हो गया लॉग लॉग एक्स अब देखिए तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय क्या होता है एक्स सातवा फॉर्मूला देखो कि वन बाय एक्स लेते हैं डी वन बाय एक्स बटा डी एक्स इनका होता है माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर आठवा देखो अगर मान के चलो यहाँ पर रहेगा वन बटे एक्स स्क्वायर क्या रहेगा वन बटे तो देखो एक चीज ध्यान दिए हो क्या एक्स पावर क्या है नहीं कुछ है तो एक है एक में माइनस लग गया था जी उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स पावर क्या है तो दो में माइनस लग जाएगा दो में माइनस लग गया ट्रिक देखो कभी एकदम बोलेगा नहीं अगर सही से माइंड में एडजस्ट कर लिया अब देखो एक था तो इस पर पावर क्या हुआ था एक बढ़ न गया था हाँ हाँ एक था तो इसमें दो हो गया इसमें दो है यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की हो जाएगा हो गया ना अगर इसी में हम लेते हैं आपको इनका क्या होगा बोलो माइनस थ्री बटे एक्स पावर माइनस थ्री बटे एक्स पावर चार अब बोलेगा भी हाँ सर अब अगला देखो ई पर पावर एक्स ई पावर एक्स ये क्या होता है इससे एक्सपोनेंशियल होता है यस एक्सपोनेंशियल समझ गया एक्सपोनेंशियल हिंदी होता है चर घातांक समझ गया ना चर घातांक इसको हम चर घातांक फलन कहते हैं क्या कहते हैं चर घातांक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स बटे क्या हो गया डी एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स अब 11वां नंबर का फॉर्मूला देखो ए पावर एक्स ए पावर एक्स इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स लॉग ए लॉग एक्स लॉग ए लॉग ए होगा समझ गया ना ए पर पावर एक्स लॉग ए अब मिला लेना कहीं कोई मिस अति हुआ होगा तो एकदम इनसे मिला लेना एकदम समझ गया ना
अगर गलत भी लिखे होंगे तो करेक्शन अपना कर लो। यही गलत लिखना है वो एक्स, ये डी डी इनटू एम पावर एक्स बटे डी एक्स। आप देखो वर्मा एकदम फॉर्मूला देखो, साइन एक्स कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स है ना, कॉस के बाद किसकी बारी है टेन, क्या होगा सेकंड पर है। अब देखो ये 15 नंबर का ये फॉर्मूला देखो, अब किसकी बारी माइनस कॉस एक्स पर है, माइनस कॉस एक्स पर है। अब 16 में देखो क्या बच गया है, बचा सेक सेक एक्स इनटू टेन एक्स, सेक एक्स इनटू क्या होगा टेन, क्योंकि सेक और टेन का रिलेशन हो जाता है। देखो टेन सेक में होता है ना, कोसेक का होता है साइन कोस का। आप देखो 17 कोस साइन माइनस साइन कोसेक एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोट एक्स, माइनस क्यों हुआ, कल क्या लिखाए थे ट्रिक में, देखिए एस ट्रिक क्या है सम्राट ट्रिक, यहाँ पे लिखा थे जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेटर क्या हो सी हो, उनका डेरिवेटिव क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव। देखो जिसमें जिसमें एकदम सी से शुरू हुआ है निगेटिव आ गया, सी से शुरू है निगेटिव आया, सी से शुरू है निगेटिव आया, ट्रिक है तो कहे आया मान होता है आता है, जैसे मान के लो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रथम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम प्राप्त करेंगे ना जी, यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलज प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा निगेटिव आएगा, समझ गया ना। आप देखो प्रथम सिद्धांत से कैसे निकालेगा मान, तो प्रथम सिद्धांत से मान निकालने के लिए जानते हो ना हिसाब मैंने बताया है, जैसे मान के चलो कि प्रथम सिद्धांत से हम क्या करते हैं लिमिट एस टेंस टू क्या करेगा जीरो करेगा ना, एक्स प्लस क्या करेगा एक्स और माइनस क्या करेगा एफ एक्स और बटे क्या करेगा एक्स। अब इस फंक्शन पर मान बैठा करके निकालो ना, अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों आया माइनस, समझा। अब इस पर बैठा देना उन्नीसवा देखो फॉर्मूला, सही सही सीरियल नंबर लिखा था जी सर 18 तक कभी लिखा है थे? जी सर तक 18 तक 10 महीने ये सर जी एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो यू प्लस बी प्लस माइनस होता है, तो इसे डी यू बाई डी एक्स और प्लस माइनस डी बाई डी एक्स डी एक्स। 20 नंबर का फॉर्मूला देखो यू इंटू बी यू डी वी बाय क्या होता है डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। 21 नंबर का फॉर्मूला देखो वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर।